Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 11 दिसंबर के. देखिए ये वीडियो रोजाना आपको 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाया करती है. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जो है वो ईजिली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 11 दिसंबर के डेली करेंट अफेयर, जो हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप इस वीडियो को आराम से रेफर कर सकते हो. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने युवाओं के लिए राष्ट्रीय चुनौती भारत के लिए संकल्प प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की है. तो देखिए एक समाधान की शुरुआत हुई है. ये कौन से शख्स है जिन्होंने इसे किया है? तो इनका नाम है रविशंकर प्रसाद. रविशंकर प्रसाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं एंड कानून एंड न्याय मंत्री भी हैं. तो इनके द्वारा भारत के लिए संकल्प प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनके चारों ओर जितनी सामाजिक समस्याओं के समाधान निर्माता बनने के लिए ये एक मंच प्रदान कर रहे हैं. मतलब आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनके छात्रों के लिए, जो छात्राएं हैं उनके आसपास अगर कोई सामाजिक समस्या आती है तो वो उसका निवारण कैसे पाए, तो ये इस प्रकार का ये मंच है. तो ये किया गया रविशंकर प्रसाद के द्वारा. ऑप्शन हो जाते हैं डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना और रूसी संघ नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 10वां संस्करण कौन से शहर में शुरू हुआ? देखिए एक तो हमारी इंडियन नेवी हो गई और एक रूस की जो नेवी है, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय बायलैटरल जो इनका एक्सरसाइज हुआ है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका 10th एडिशन इस बार हो रहा है. ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है, किस शहर में ये शुरू हो गया है? ये शुरू हो गया है विशाखापट्टनम में. ऑप्शन हो जाते हैं सी विशाखापट्टनम. एंड ये 9 दिसंबर को शुरू हुआ है, 16 दिसंबर को ये समाप्त होगी और इनका उद्देश्य यही है कि वो समुद्री सुरक्षा संचालन के मुद्दे को लेकर ये अभ्यास शुरू की गई है. और नेवी के, जैसे हमारे अब इंडियन नेवी है तो इसके बारे में आप ये ध्यान रख सकते हो कि नेवी के चीफ है सुनील लांबा जी. एंड नौसेना दिवस हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है 4 दिसंबर को, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन और केंद्रीय नागरिक मंत्री सुरेश प्रभु ने संयुक्त रूप से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड का उद्घाटन किया है? दैट इज़ KIL, आपकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड का उद्घाटन हुआ है. ये हमारे जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराय विजयन के द्वारा और केंद्रीय नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं हमारे सुरेश प्रभु, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस KIL, मतलब आपकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड KIL का उद्घाटन किया गया है. तो देखिए ये किया गया है आपके कन्नूर में. ठीक है, कन्नूर में हुआ है. तो ये देखिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है. अदर जैसे केरल में, ये केरल में बता दूं, केरल राज्य में कन्नूर पड़ता है, वहाँ एक और बन गई है. तो ये मिला के केरल में अब 4 हवाई अड्डे हो गए हैं. तो इस अनुसार ये भी कह सकते हैं कि केरल देश में हवाई अड्डों के मामले में ज़्यादा घनत्व वाला राज्य बन गया है, क्योंकि वहाँ 4 ऑलरेडी हो गए. देखिए पहला है तिरुवनंतपुरम में, फिर कोची में है, फिर कोझिकोड में है और अब इन दोनों ने मिलकर, इनके संयुक्त रूप से मिलकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कन्नूर में भी उद्घाटन कर दिया गया है. तो ऑप्शन हो जाते हैं एक कन्नूर, ठीक है, जो केरल में पड़ता है, ये आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, INS कुड्डालोर में किस तट पर भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए पानी के नीचे जो संग्रहालय बनेगी ये बनेगी पांडिचेरी तट पर. ठीक है, और इंडियन नेवी जो कि देश में पहले पानी के भीतर संग्रहालय के निर्माण के लिए पांडिचेरी के केंद्रीय क्षेत्र में एक निर्विवाद पांडिचेरी जो वर्ग जहाज है ना, INS कुड्डालोर, इस जहाज का नाम होगा और इसको ये एक उपहार के तौर पर दे रही है. ताकि देखिए इससे एक तो ये लाभ हो सकता है कि जितनी भी बढ़ती हुई जैव विविधता आ रही है समुद्र में उसके बारे में पता चल सकेगा एंड मछली पकड़ने का उद्योग है जो, उसमें भी वो हेल्प कर पाएंगे, उसको भी बढ़ावा मिलेगा. तो ये सारी इसके पीछे के उद्देश्य है. तो पानी के नीचे संग्रहालय पहली बार जो बन रही है ये बन रही है पांडिचेरी में. ऑप्शन हो जाते हैं ए. और आप याद रख सकते हो कि पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है वी नारायण स्वामी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB
ओके ने किस राज्य में जल स्वच्छता परियोजना के लिए 400 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूर किया है? एशियन आपकी एशिया एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एक राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है उन्होंने कि वो 400 मिलियन डॉलर का ऋण जो है वो प्रोवाइड करेंगी, किस राज्य को करेंगी, ताकि जल स्वच्छता परियोजना जो है उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, जिसका उद्देश्य ये होगा कि स्वास्थ्य जो होती है ना, स्वास्थ्य जोखिम और स्वास्थ्य व्यय को कम करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य पर अगर कोई इफेक्ट आ रहे हैं उस पर कम जल स्वच्छता परियोजना से, और स्पेशली ये महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के राज्य को ये प्रदान होगी 400 मिलियन डॉलर की ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड ग्रैंड इवेंट में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2018 का ताज जीता है? देखिए, मैक्सिको की वैनेशा पोसेन लियोन इनका नाम है, और इन्होंने ही ये देखिए चीनी शहर में, चीनी शहर है ना जो चीन में सानिया में, वहाँ इन्होंने मिस वर्ल्ड 2018 का ताज जीता है। और जो हमारी भारत की मिस वर्ल्ड रह चुकी थी 2017 में मानुषी चिल्लर, उन्होंने इसे इस ताज पहनाया। तो ये हुई मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी की आप राजधानी ध्यान रख सकते हो कि वैनेसा पोसेन लियोन जो है ना, ये मैक्सिको की रहने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हुई थी, ये जो कार्यक्रम हुई थी, ये हुई थी चीनी शहर जो सानिया में, वहाँ ये हुई थी। और मैक्सिको के बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और वहाँ की जो मुद्रा है ना वो है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अभ्यारण्य वन्य जीव पुरस्कार 2018 की श्रेणी में लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो देखिए, वन्य जीव जो फाउंडेशन है ना, उनके द्वारा 2018 का अभ्यारण वन्य जीव पुरस्कार की पूरी श्रेणी निकाली गई है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी में लोगों को पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि इन्होंने वन्य जीव सेना पुरस्कार निकाला में मतलब प्रदान किया है पुरस्कार, फिर युवा प्राकृतिक पुरस्कार दिया है जो मैत्रेयी कुमार को मिला है, फिर ग्रीन टीचर अवार्ड दिया है जो निकिता पिंपल को मिला है। और इस क्वेश्चन में मैं बात कर रही हूँ कि लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया है वंदना शिव को, ठीक है। ऑप्शन हो जाते हैं सी, वंदना सी। और देखिए, ये एक इस तरह का पुरस्कार है ना, उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है जिसका प्रकृति के लिए काम करना और भारत की जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको प्रेरित करना उसके जीवन का लक्ष्य होता है, ठीक है। इस तरह के लोगों को लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार अभ्यारण वन्यजीव पुरस्कार के तहत दी जाती है। तो ये मिला है वंदना सिंह, ऑप्शन हो जाती है सी। देखिए जी हाँ, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको ट्रिनिटी आर्ट्स फेस्टिवल में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया है? ट्रिनिटी आर्ट्स फेस्टिवल में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इनका नाम है TTC निवास राघवन, ऑप्शन है ए। और ये इन्हें चेन्नई में प्रदान किया गया है, और ये सुंदरम फाइनेंस जो है ना उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। सुंदरम फाइनेंस जो है ये भारत की सबसे भरोसेमंद आप गैर बैंकिंग वित्त कंपनी में से कह सकते हो, मतलब ये गैर बैंकिंग कंपनियों में से ये एक है, और इसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इन्हें ही अपनी आजीवन उपलब्धि के लिए मतलब ट्रिनिटी आर्ट्स फेस्टिवल से नवाजा गया है, ऑप्शन है ए, TT श्रीनिवास राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको कोका कोला कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कोका कोला कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम जेम्स क्विंसी, और ये 14वें चेयरमैन होंगे, 14th नंबर वाले चेयरमैन होंगे कोका कोला के कंपनी के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, US किड्स गोल्फ इंडिया टूर का पहला इवेंट किस राज्य में आयोजित किया गया है? US किड्स की जो गोल्फ इंडिया का जो टूर हो रहा है उसका जो पहला इवेंट आयोजित हुआ है वो हरियाणा में। तो देखिए, यहाँ मैंने राज्य की बात की थी, तो हरियाणा के गुड़गांव में हो रहा है ये, गुरुग्राम में ये हो रही है, तो ऑप्शन हो जाती है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताएं शॉटगन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की जो प्रतियोगिताएं हो रही है इसे आयोजित किया गया है आपके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इसका 62 एडिशन हो रहा है, और ये किया गया है आपके जयपुर में, ऑप्शन हो जाते हैं सी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषिद्ध पत्थर शिलालेख किस राज्य में मिला है? निषिद्ध पत्थर क्या है ना, ये पहले के जो जैन तपस्वी होते हैं ना उन्हें ये जारी किए जाते थे ये निषिद्ध पत्थर, ठीक है। अब देखिए, इस शिलालेख को खोज निकाला गया है कर्नाटक में हारेकीरा एक गांव है, और वहाँ की नंदी बशेश्वर मंदिर में 12वीं शताब्दी की ये निषिद्ध पत्थर मिले हैं।
तो ऑप्शन है डी, ये कर्नाटक में मिले हैं, तो ऑप्शन हो जाते हैं हमारे डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, द काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इसके पुस्तक के लेखक है अरविंद कुमार। ऑप्शन है ये ए, अरविंद कुमार जी हमारे भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और ये भारतीय अर्थशास्त्र तो है ही, और इन्होंने इस पुस्तक में जब ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे तो उस जीवन का विवरण 2014 से 2018 तक के इस विवरण को अपनी इस बुक में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, ये हमने मनाया है कल 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस हमने 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है और इस साल इसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है, मतलब 70 साल पूरे हो गए हमें मानवाधिकार मनाते हुए। और ये 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था, तब से हम मानवाधिकार दिवस को मनाते आ रहे हैं। तो ऑप्शन है ए 10 दिसंबर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 11 दिसंबर के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की जो PDF है ना, वो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे, तो आपको वहाँ से इसकी PDF जो है वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।